अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल व करम और उसकी रहमत आप लोगों के साथ शामिल हाल होगी। आज आपको लेकर जा रही हूँ मैं मनोड़ा बीच, और ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने शिप में जो है ड्राइव किया था मनोड़ा बीच तक जाने के लिए। और आपको बताती चलूँ कि अगर KPT के आप जहाज़ में बैठेंगे तो सबसे लास्ट में जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहुँचाता है। उसकी टाइमिंग है 12:30 बजे और 1:30 बजे, तो हम लोग उसमें ही सवार हुए थे। अब ये देखिए हम लोग मनोड़ा बीच पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है रिक्शा चलते हैं। रिक्शे में हम लोगों ने ड्राइव लिया है, और रिक्शे में तकरीबन हम लोगों को 5 मिनट बमुश्किल लगे होंगे, तो उसके बाद हम लोग मनोड़ा बीच पर पहुंच गए। ये देखिए हम यहाँ पे गाज़ी यूसुफ जो है उनकी दरगाह है, तो वहाँ पर आए, पहले वहाँ पर हाज़िरी दी, उसके बाद हम लोग मनोड़ा बीच गए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये सीप से जो है हैंडमेड जो है बने हुए हैं फ़ानूस वगैरह, बहुत प्यारे और कड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है। अभी यहाँ जो है वो हाज़िरी दे कर आई है अपनी खाला के साथ और भाई के साथ और अपने वालिद के साथ। मैं नहीं गई हूँ दरगाह के अंदर, और मैंने बाहर से वीडियो बनाई थी, इसलिए देखें नाम लिखा हुआ है इनका। आप लोगों की भी हाज़िरी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा हो चुका है, और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल जो है वो एरिया मुख्तस कर दिया है वहाँ पे जो नेवियल स्टाफ है उन लोगों के लिए। और ये कितने प्यारे देखें घर बने हुए हैं, और सबको कलर किया है, बिल्कुल न्यू लुक लग रहा है वहाँ का। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले गई थी, उसके बाद मैं अब गई हूँ मनोड़ा बीच। और ये देखिए मनोड़ा बीच का जो है पार्क बना दिया है, और यहाँ से टिकट लेते हैं, और ये हट्स जो बने हुए हैं ना आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये हट्स जो है 3 घंटे का चार्ज करते हैं, 500 रुपीज़ ही है जो बना हुआ है। एक गेज जैसे होता है पिंजरे की तरह, तो आप अपनी फैमिली को लेकर बैठ सकते हैं। और बाकी इन लोगों ने बैठने के लिए वैसे भी जगह बनाई है, काफ़ी साफ़ कर दिया है, और देखें कितना बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग भी जाएँ फैमिली के साथ। अभी यहाँ और बच्चे दोनों और उनके वालिद काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और ऊँट की भी सवारी थी लेकिन बच्चों ने नहीं ली है देखें। और एक काफ़ी पुराना जो है मंदिर भी वो बना हुआ है, लेकिन वो अभी तक इन लोगों ने ऐसा जैसा था वैसा का वैसा ही वो अभी तक है, एज इट इज़ है, वो बहुत पुराना है। तकरीबन जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब का उसको देख रही हूँ मैं। लहरें आ रही हैं और लहरों का शोर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे आपको व्लॉग तो इसको शेयर कीजिए। और वॉच टाइम मेरा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो काइंडली जाकर तमाम वीडियोस का जो है वो चेकअप करिए आप लोग, और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज़ करने में मेरी मदद करवाएं। और सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह हो चुके हैं अगेन, लेकिन वॉच टाइम अभी रहता है। और ये देखिए कितनी अच्छी पानी की लहरें आ रही हैं, और आप लोगों को अच्छा मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो जुड़े रहिए हैदराबादी के चैनल के साथ। देखिए लास्ट टाइम लोगों ने खाना भी खाया था, फिश वगैरह ली थी, और काफ़ी इन्जॉय किया, फिश भी काफ़ी मज़े की थी। चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लहरों का शोर आप लोग सुनिए। लहर आती कैसे है? हवा जाए तो आवाज़ नहीं दे सकती।